जय श्री राम। आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैं डॉक्टर को उधर गया था, तो आते वक्त है ना, पंचमुखी मंदिर का साइड से आ रही थी, तो मेरा मन किया जो मंदिर में दर्शन करके और पूजा दे के आता हूँ। और ना आज रामनवमी भी है, इसके लिए मैंने ये चलो भगवान का दर्शन भी हो जाएगा तो अच्छा है। सबसे पहले मैंने ये थाली लिया, उसके बाद मंदिर में ये गया तो जाके देखा कि यहाँ पे राम जी का फोटो रख के पूजा किया है, और झूला में भी भगवान को बिठा के झूला झूला रहे थे सब लोग, और मैं भी झूला झूलाई। उसके बाद है ना, मैंने पंचमुखी जो हनुमान जी है ना, तो वहाँ पे गया तो वहाँ पे पूजा दे रही थी, तो उसी टाइम का तो मैंने वीडियो नहीं निकाली, तो बाद में मैंने ये वीडियो किया हूँ। देखिए पंचमुखी मंदिर अंदर में भी एक पंचमुखी भगवान को बिठाया है और बाहर में भी है, तो बाहर में सब लोग पूजा देता है और साइड में एक गणपति जी ही को बिठाया है। नारियल फूल माला में पुरोहित जी ने मुझे बोला टच करने का, उसके बाद पुरोहित जी ने सब भगवान को सब चढ़ाया। उसके बाद मुझे एक गेंदे का फूल दिया, तो बोला जो गणेश जी का चरण में रखने के लिए, तो आधा साइड में ना एक शीतला माता है, तो वहाँ पे भी एक गेंदे के फूल चढ़ाने के लिए बोला। पूजा देने के बाद मैं घर पे आया, तो उसी दिन ना नमन का स्कूल में कुछ रामनवमी का डांस प्रोग्राम हुआ था, वो भी आप लोग के साथ शेयर करी, वो देखिए आप लोग। ये कथा है रामायण की, जहाँ श्री राम वनवास से अयोध्या पधारे। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। स्वागत की तैयारी में व्यस्त थी अयोध्या की तीन बहुएं, श्रुतकीर्ति, मंडवी और उर्मिला। के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम, अयोध्यापति दशरथ था जब जन्मे प्रभु श्री राम। नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आए, उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ सिखाई। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया, सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया, मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया।
सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चिल्लाकर लगा। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया, तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी के तुम हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज चंद की घड़ी के तुम हार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। आन वान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। ऐसा घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन, साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण, मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। दशानन भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम।